ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल में। दोस्तों महादेव के आशीर्वाद से तूफान से भी तेज दौड़ेगी। 15 फरवरी से 21 फरवरी तक आपकी किस्मत मिलेगी बहुत बड़ी कामयाबी, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में कुछ ऐसे बड़े चमत्कार होंगे, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी बातें होंगी, कुछ ऐसे बड़े बदलाव होंगे और कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन होंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को दबाएं, जिससे आप तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा महादेव के आशीर्वाद से 15 फरवरी से 21 फरवरी तक का यह समय। दोस्तों हम अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां और ढेर सारे धन की कामना करते हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए व्यक्ति काफी मेहनत भी करता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि हर किसी को इतनी मेहनत करने के बाद सफलता मिल ही जाए। वहीं यह बात भी सच है कि व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर हो या फिर कितना भी गरीब, एक दिन उसके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं लगी रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें हिंदू धर्म की तो यहाँ शास्त्रों में हर समस्या का समाधान बताया गया है। उसी तरह व्यक्ति के जीवन में हो रही या फिर होने वाली घटनाओं के बारे में हम आप पहले से ही जान लेते हैं। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की माने तो कुल 12 राशियां बताई गई हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी राशियों के लिए अलग अलग नाम और अक्षर निर्धारित किए गए हैं। कुंडली के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का नाम रखा गया है तो उसके नाम का पहला अक्षर जैसा होता है वैसी ही उसकी राशि मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं राशियों पर सभी का भूत और भविष्य और वर्तमान निर्भर करता है। इन राशियों का स्वरूप अलग अलग होता है, व्यक्ति की राशि के आधार पर ही उसके स्वभाव का आकलन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं प्राचीन समय में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में गोचर करते हैं वही उसकी राशि मानी जाती है, यानी कि चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ही हमारी नाम राशि मानी जाती है। यही कारण है कि इन सभी 12 राशियों के लिए अलग अलग अक्षर बताए गए हैं और इसी के सहारे व्यक्ति अपने आने वाले भविष्य के बारे में अंदाजा लगा सकता है। इतना ही नहीं, इसके अनुसार व्यक्ति के स्वभाव में भी कई सारी बातें जानी जा सकती हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिनके बारे में ज्योतिषियों का मानना है कि उनकी बंद किस्मत अब खुलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, बताया तो यह भी गया है कि आपकी कुंडली में अचानक बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी अब प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को आने वाले दिनों में किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। इतना ही नहीं, आपके जीवन में धन संबंधित जो भी परेशानियां चल रही हैं उन समस्त परेशानियों का अब अंत होने वाला है और आपकी पैसे से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सभी काम पूरे होंगे। आपको बता दें, आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में पहले से ज्यादा मधुरता आएगी और तो और हो सकता है आप लोग अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप लोग विद्यार्थी हो तो आपके अपने कार्य में सफलता हासिल होगी, लेकिन हो सकता है इस हफ्ते आपको परिश्रम अधिक करना पड़े। अगर बात करें आपके व्यापार की तो इनको बहुत ही लाभ होने वाला है, आप लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है और अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको अपनी मनपसंद नौकरी भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको बता दें, अब आपके ग्रहों में कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसकी वजह से आपके जीवन में सभी दुख तकलीफें समाप्त होंगी और आपके समस्त कार्य आसानी से बनने लगेंगे और धन से संबंधित जो भी परेशानियां चल रही हैं उन सभी परेशानियों का अब अंत होगा। आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। आप लोगों का पारिवारिक माहौल बहुत ही सुख में रहेगा।
आप लोगों का मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। आप लोगों को बहुत ही अनेकों प्रकार की आपकी जितनी भी समस्याएं वो सब समस्याएं दूर होंगी और अनेकों प्रकार का आपको लाभ मिलेगा। आपकी जितनी भी प्रेम संबंधित समस्याएं वे अब सभी इस समय दूर हो जाएंगी। जो लोग अपने प्यार की तलाश में हैं उनको मन चाह प्यार मिलने वाला है। आपको बहुत बड़ी खुशखबरियां और सफलता निश्चित रूप से इस दिनों में मिलने वाली हैं। आपकी जितनी भी कष्टकारी स्थितियां हैं वे अब दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आप किसी दूर स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। आप लोगों को धन लाभ के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपका पारिवारिक माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण बना रहेगा। आपको जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग मिलेगा जिसकी वजह से आप लोग अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। आपको बता दें कि अब आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। आपको वे सारी खुशियां प्राप्त होंगी जिसके लिए आप हकदार हैं। जो लोग व्यापारी हैं उनको अपने किसी पुराने मित्र का भी साथ इन दिनों में मिल सकता है। आप लोग किसी भी परेशानी में अपने पार्टनर का साथ ना छोड़ें। आप जल्द ही इस बात को देखेंगे कि आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं वे अब पूरे होने लगेंगे। आप लोगों का कैरियर अब चरम सीमा पर पहुंचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपने कैरियर में अब एक अलग ही मुकाम हासिल करने वाले हैं। आपके परिवार में चल रहा कलेश दूर होगा। आपको लगातार हर कामों में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे और आपको हर कार्य में सहायता मिलेगी। आपके रुके हुए काम अब बनने लगेंगे। रुका हुआ धन भी आपको वापस मिल सकता है। नया काम करने के लिए आपके लिए जल्द ही समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। आपका व्यापार चारों दिशाओं में फैलेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको मनपसंद नौकरी इन दिनों में मिल जाएगी। शेयर बाजार में भी आपको बड़ा मुनाफा मिलेगा। जमीन के लेन देन में के कार्य में आप ढेर सारा धन आपको प्राप्त हो सकता है। आप लोगों की किस्मत अब चमकने वाली है। आप लोगों के जीवन में उजाला आ सकता है। आप अपने संबंधों को लेकर बहुत अधिक ज्यादा गंभीर हैं और बहुत सोचते हैं। खुद को थोड़ा हल्का करें। अपने पार्टनर के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें। वैवाहिक जीवन में आप कुछ बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। विकास की संभावनाएं रह सकती हैं। शारीरिक गतिविधियां आपकी अच्छी बनी रह सकती हैं। सेहत पर आपको थोड़ा सा अधिक ध्यान देने की जरूरत साबित होगी। लंबे समय से अटके हुए कुछ बड़े कार्य आपके लिए समय पर पूरे होने वाले हैं। बच्चों के प्रति थोड़ा सा सावधान रहने की आपको जरूरत महसूस हो सकती है। रोमांस का स्तर आपके लिए बढ़ने वाला है। सच्चा प्यार आपको अब वापस मिलने वाला है। कामकाज के मोर्चे पर समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक कार्य अच्छे तरीके से होते हुए आपको प्रतीत हो सकते हैं। कुछ परिस्थितियों को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।